है हमारी होली की प्रिपरेशन। ये यहाँ पे मोटे की शर्ट फट चुकी है। वेलकम बैक टू रिस सेमी ब्लॉग। तो गाइज आज आपको लग रहा होगा कि काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग आ रहा है, क्या बात हो गई। तो कल है होली, तो होली के लिए तो ब्लॉग आना बनता था। तो हम अभी जा रहे हैं, रात के होने वाले हैं 8:30, तो हम लोग जा रहे हैं अभी होलिका दहन में। तो हमारी सोसाइटी में अभी प्रोग्राम हो रहा है होलिका दहन का, तो चलो दिखाते हैं आपको कैसा होता है यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे होलिका जलाई जा रही है। तो होली से पहले हमेशा होलिका दहन होता है। तो होलिका दहन होने के पीछे क्या रीज़न है ये आप लोगों को शायद पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं एक छोटे से उसमें आप लोगों को बता देती हूँ कि होलिका दहन के पीछे रीज़न क्या है। होलिका जो थी वो राक्षस था, एक हिरण्यकश्यप, उसकी बहन थी, और उसका एक लड़का था हिरण्यकश्यप का, वो था प्रह्लाद। तो प्रह्लाद जो था वो भगवान विष्णु का बहुत ही बड़े वाला भक्त था, और होलिका जो थी वो उसकी बहन थी। तो एक बार होलिका से बोल के हिरण्यकश्यप कहता है कि मैं भगवान विष्णु को नहीं मानता और उसके भक्तों को ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि वो प्रह्लाद को मारने का बहुत बार ट्राई कर चुका था। तो वो होलिका को बोलता है कि इसको अपनी गोद में लेके बैठो और इसको मार दो। तो लेकिन क्या होता है कि प्रह्लाद बच जाता है और होलिका जल जाती है उसमें। ये बहुत लंबी स्टोरी है, इस पर मैं बता नहीं पाऊँगी, बट एक शॉर्ट में मैंने बता दिया कि इस वजह से होलिका दहन होता है। और तभी कहा जाता है कि सच्चाई हमेशा जीतती है, बुराई पे हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। तो यही रीज़न है होलिका दहन का, और इसीलिए होलिका जलाई जाती है। वेलकम बैक टू रिस सेमी ब्लॉग। सो गाइस, विश यू अ वेरी हैप्पी होली। तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये देखो हमने सेम पहना हुआ है होली पे, मस्त हैप्पी होली। ये वो आ रहा है ना, उल्टा लिखा हुआ है। तो अभी होली की प्रिपरेशन हमने करी हुई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या क्या बनाया है होली पे। तो हम आज आपके लिए होली का ब्लॉग लेके आए हैं। मे भी आप लोगों को लग रहा होगा कि इतने टाइम बाद ब्लॉगिंग बीच में नहीं आ रही थी, ऐसा क्या हो गया कि ब्लॉग बंद हो गए आना। तो गाइस अभी बीच में हम लोगों को लिटरली टाइम नहीं मिला था वीडियो बनाने का। तो अभी हम लोगों ने होली का मौका था तो कैसे छोड़ सकते थे, इसलिए स्टार्ट किया है अभी। ये हमारी फ़ोटो अच्छी लग रही है पीछे से। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या क्या बनाया है। ये है हमारी होली की प्रिपरेशन। ये है चिप्स, पापड़, ये है गुजिया, ये है दही बड़ा। बड़ी मेहनत के साथ बनाया है हमने ये दही बड़ा, एंड क्रेडिट गोज टू आरती दी, उन्होंने बताया था कि कैसे बनाना है। और ये है फ्रूट क्रीम जो अमित ने बनाई है, ये ठंडई ये भी अमित ने बनाई है। तो ये है हमारी होली प्रिपरेशन, और हम ये इंजॉय करने वाले हैं अभी। सो चलो फिर, आप सभी को हैप्पी होली। होली मनाओ खूब अच्छे से, और अच्छे से मनाना सेफली। ये है मोटू, हैप्पी होली, हैप्पी होली। खाओ मोटा, क्या खा रहे हो बताओ। तो मोटे ने जो फ्रूट क्रीम बनाई है लिटरली बहुत टेस्टी है। मोटा अभी हम जाएंगे, उसके बाद नीचे फिर दिखाएंगे कैसे होली जाती है यहाँ पर। उतना कुछ नहीं है क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है ना, इसलिए ज्यादा होली की कुछ ऐसा नहीं है, बट जितना भी है बहुत है। हेलो फ्रेंड्स, ठंडा ही पी लो फ्रेंड्स, आप भी पी लो फ्रेंड्स।
वाह यार मज़ेदार बनी है। तो यहाँ से देखिए सब लोग होली खेल रहे हैं यहाँ पे बहुत ही मज़े के साथ। तो हम भी अब नीचे जाएंगे पहले, फिर देखेंगे कि कैसे कैसे क्या माहौल है। दिख तो बढ़िया रहा है, मस्त लोग होली खेल रहे हैं, अब तो मन कर रहा है भाई होली खेलने का। तो हम लोग भी नीचे जाते हैं, होली खेलते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोगों को नीचे क्या क्या चल रहा है। यहाँ से भी देखो देखो लोग क्या मस्त इंजॉय कर रहे हैं अपना, मस्त एकदम। तो अब हम लोग आ गए हैं नीचे, तो वही ये है पूरा सोसाइटी का माहौल यहाँ पे, बस सब लोग अच्छे से खेल रहे हैं यार, पानी वानी के साथ भी बहुत ही मज़े के साथ। अभी हम लोग भी मास्क लगा के नहीं आए हैं क्योंकि अभी पानी वानी पड़ेगा, कलर वलर तो अभी इतना कुछ नहीं है। अपनी सोसाइटी के लोग हैं तो बाहर के लोग हैं नहीं, तो इतना कुछ कोरोना का इतना टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे एकदम पानी वानी के साथ मस्त खेला जा रहा है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, उसके बाद फ़ोन तो मैं रख दूँगी क्योंकि वरना मेरा फ़ोन भी भीग जाएगा। तो फ़ोन रख करके हम भी होली खेलते हैं, आप लोग भी होली इंजॉय करो, फिर आगे का मैं बताती हूँ आपको। तो भाई अभी हम लोग नीचे से आ रहे हैं, बहुत अच्छे से होली खेली है पानी में भीग के, मस्त एकदम झकास वाली। तो अभी हम बाहर निकल रहे हैं, तो लेट्स सी कहाँ तक जाते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बाहर का व्यू दिखा देती हूँ कि बाहर कैसा लग रहा है। ओके देखिए आप लोग, यहाँ पे पानी वानी कर रहे हैं मस्त वाला, और यहीं पे हम लोग भीग रहे थे बहुत अच्छे से, तो मज़ा आ रहा था खूब। इसके बाद फिर से हम नीचे सोसाइटी में जाने वाले हैं। ये यहाँ पे मोटे की शर्ट फट चुकी है होली खेलते खेलते, मोटा कपड़ा फाड़ होली खेला है। मोटा टी शर्ट हार के एकदम होली खेली है, तो मोटे ने खेली है, ये देखो इसे बोलते हैं होली खेलना, कपड़ा फाड़ होली, कपड़ा फाड़ होली, मोटा मोटा खेल रहा है। मेरा तो कलर भी उतर गया है मेरी टी शर्ट से। चलते हैं, ठंडी लग रही है, पूरे पूरे भीग चुके हैं हम लोग। तो भाई आज की होली बहुत अच्छी रही, मजा आया खूब, खूब सारा एंजॉय किया। होप सो आप लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया होगा अपनी होली को, और सेफ्टी के साथ खेला होगा क्योंकि जैसे कि आप सब लोगों को पता है अभी कोरोना के केसेस थोड़ा बढ़ने लगे हैं, तो जिस वजह से थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। बट होली है तो होली तो खेलनी बनती थी, बट सेफ्टी के साथ और समझदारी के साथ। तो भाई मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग भी कि आप लोगों की होली कैसी रही। तो हम लोगों की तरफ से आप सबको दिल से हैप्पी होली। तो ये ब्लॉग क्या करते हैं अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। और हाँ, कई लोगों के मुझे मैसेज भी आ रहे थे, तो कई दोस्त लोग भी पूछ रहे थे यार ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहे हो। तो यार इस बीच लिटरली बताऊँ टाइम नहीं मिल पाया है ब्लॉगिंग करने का, तो अब से हम कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे ब्लॉगिंग, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ब्लॉग बनाएंगे। तो आप लोग बस साथ देते रहना हमारा, और हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाते रहेंगे, ठीक है। तो फिर आज का ब्लॉग क्या करते हैं यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आप सब लोगों को दिल से हैप्पी होली, सबके लिए प्यार। तो भाई मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे अच्छे और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद जय माता दी, बाय।